नमस्कार दर्शकों, आप सभी को दीदी अरुण प्रभा के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली में। हम आपको ये दिखाने के लिए आए हैं कि अरुणाचल प्रदेश की लोअर दिबांग वैली कितना खूबसूरत है। आइए देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी अपने अनूठे प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के घने जंगल, बर्फ से ढका पर्वत और नदियों की धारा पर्यटकों को अपने सौंदर्य से मोहित करते हैं। दिबांग घाटी में स्थित समुदायों की प्राचीन संस्कृति और विविधता भी इसे और अधिक आकर्षित बनाती है। यहाँ के लोग अपने परंपराओं को गर्व से निभाते हैं और पर्यटकों को इसमें शामिल होने का अवसर भी मिलता है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली में स्थित है एक शहर रोइंग। रोइंग में ज्यादातर इडू मिसिमी जनजाति के लोग बसते हैं। इडू मिसिमी जनजाति के लोगों की सरलता और उनके समृद्धशाली परंपराओं ने रोइंग को एक आकर्षण का केंद्र बना दिया है। हमारा सफर इस चार्मिंग टाउन रोइंग से शुरू होता है। आइए दर्शकों, पहले देखते हैं रोइंग कैसा है। आइए। रोइंग ना केवल मायोदिया का द्वार है, बल्कि इसमें इडू मिसिमी जनजाति का भी दिल है, जो इन क्षेत्रों में पीढ़ियों से बसे हैं। उनका पारंपरिक बाजार दृश्य और ध्वनि का एक रंगीन विवरण है, जहां स्थानीय लोग सामग्री व्यापार करने के लिए एकत्रित होते हैं, हाथ से बने कपड़े से लेकर ताजा उत्पादों तक। इडू मिसिमी जनजाति अपने जीविका के लिए स्थानीय सब्जियां और जड़ी बूटियों की बिक्री करते हैं, जो इस क्षेत्र की अनूठी धरोहर को दर्शाती है। यहाँ पर स्थानीय सब्जियां और जड़ी बूटियां स्वास्थ्यवर्धक और प्राकृतिक रूप से पौष्टिक होती है, जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। रोइंग के बाजार का अन्वेषण करने के बाद मैं रात को ठहरने के लिए रास्ते में हूँ। बाजार से सड़क की स्थिति बहुत ही अच्छी है। कल के सफर के लिए अभी से मेरा मन उत्सुकता से भरा हुआ है। अन्वेषण के पूरे दिन के बाद मैं रोइंग में होमस्टे पर पहुंच गया हूं, जहां मैं रात बिताऊंगा। शांतिपूर्ण आसपास का मनोहरी दृश्य मुझे ये आश्वासन देता है कि पर्यटक यहां प्राकृतिक सौंदर्य में लिप्त होकर शांति से ठहर सकते हैं। मायोदिया की यह सफर शुरू होने वाली है, एक सफर जो हर पल को यादगार दृश्य और अनुभवों का वादा करते हैं। जब मैं रोइंग से निकला तो मेरे मन में उत्सुकता का एहसास था। हर सरगम से भरा हुआ हिमाचली हवा मेरे सांसों को भरी। जब मैं दूर दूर की ऊंचाइयों पर नजर डाला तो मुझे उनकी छुपी हुई राज बताने को बुलाया। मायोदिया की ओर जाते हुए मैंने ऊंचे पहाड़ों का शानदार दृश्य देखा, जो हरियाली से भरा हुआ है और एक चित्र की तरह लगता है।
इदुमिसिमी जाति अपने जीविका के लिए पालतू जानवर मेथुन का उपयोग करते हैं, जिसे यातायात और कृषि के काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सैली झील एक अद्वितीय स्थल जो अपने नौका विहार, आवास और ताजगी के लिए प्रसिद्ध है। सैली झील केवल ना एक सुंदर नजारा है बल्कि यहाँ का शांतिपूर्णता आपको प्रभावित करता है। सैली झील के ताजा पानी में मछलियों को देखकर पर्यटक मनमोहित हो जाते हैं। नौका विहार के दौरान पर्यटक सैली झील के शांत जल का आनंद लेते हैं और इसकी प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ पर आवास के लिए विभिन्न विकल्प है जो पर्यटकों को सैली झील के निकट स्थिति का अनुभव करने का अवसर देते हैं। आगे की सड़क हमें बिना तुलना के प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांच से भरपूर वादियों की ओर बुलाते हैं। दिबांग नदी की बहती पानी जो शीशे की तरह धूप में चमकते हैं, जो यात्री के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के बीच एक शांतिपूर्ण राहत है। मायोदिया की यात्रा का रास्ता अपने आप को हरी भरी घाटी और घने जंगलों के बीच से गुजरता है। हर मोड़ पर प्रकृति की सुंदरता का एक झलक प्रस्तुत करता है। जब हम इस भूमि पर चल रहे थे तो रास्ते का हर मोड़ एक नया दृश्य प्रस्तुत करता था। झरने गिरने की आवाज, नदियों की गूंज और पक्षियों की किलकारी से हमारा मन भर उठा। हर मोड़ पर परिदृश्य एक मास्टरपीस की तरह सामने आता है, जिसमें उच्च पहाड़ों और हरित घाटियों एक पैनोरामिक दृश्य होते हैं जो एक और से अधिक आकर्षक है। सूर्य की किरणें घने पेड़ों से होकर छायादार सड़कों पर गिरती है, जो सड़कों को गर्म और स्वर्णिम चमक डालती है, जिससे यात्रा और स्वर्गीय बन जाती है। दिबांग घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकृति के साथ संवाद करने का मौका मिलता है। यहाँ के लोग अपने जीवन का महत्व नदी, पहाड़ और जंगल के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। पर्यटक यहाँ आकर अपने आत्मा को शांति और संयम के साथ भरने का अनुभव करते हैं। अयोध्या की अप्रतिम सौंदर्य का यह यात्रा प्रारंभ होता है, जो अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी में स्थित है। हमारा सफर रोइंग से शुरू होता है, जहां इदुमिसिमी जनजाति के रोमांचक दृश्य और जीवन संस्कृति हमें आकर्षित करता है। यात्रा के दौरान मुझे इदुमिसिमी जनजाति के स्वागत का लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला। यहाँ में 50 फैमिलीज है। दिसंबर और जनवरी में स्नोफॉल होता था, क्योंकि इस साल नहीं हो पाया तो इसलिए फरवरी में ही स्नोफॉल हुआ। इसमें हेवी स्नोफॉल हुआ, जो प्रीवियस ईयर से भी इस ये फरवरी में ही ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है, तो इसलिए बहुत लोग टूरिस्ट आया आसाम से और बाकी स्टेट से भी आया है। टूरिस्ट के लिए हम लोग टूरिस्ट का भलाई के लिए हम लोग यहाँ मैगी और चाय कुछ कुछ उसको सर्व कर देता है। ऑफ सीजन में हम लोग खेती चला जाता है, लेकिन फैमिली तो यहाँ रहते हैं। हम लोग जो है जंगल जाके खेती उती या मकई खेती और धान खेती, धान समझ रहे हैं ना, पीडी प्लान और मैच यह सब हम लोग खेती कर लेते हैं। रोइंग से 28 किलोमीटर और माइडस 26 किलोमीटर, ये
मिडिल पॉइंट पे। गांव ये टीवर गांव नहीं कहा जाता है, यहाँ हम लोग का लोकल नाम से जिमो बोला जाता है, जिमो विलेज है। क्योंकि ये टीवरी गांव इसलिए बोला जाता है कि जो पहले जो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जो रोड कंस्ट्रक्शन करता था ना, वो आदमी यहाँ से डेड हो गया, इसलिए उसका मेमोरियल पे टीवरा गांव नाम कहा जाता है। लेकिन हम लोग का लोकल नाम जो जिमो बोलते हैं। समय ठहर जाता है जैसे ही यात्री प्राकृतिक वातावरण की शांति में खो जाते हैं, जहां प्राकृतिक शोरों के ध्वनि के बीच आत्मा की ध्वनि मिलती है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व राज्य में धुंधले पहाड़ के बीच मनमोहक स्थल मायोदिया स्थित है। सूर्य की उगाई हुई किरणें आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग में रंगने के साथ साथ हरा भरा परिदृश्य प्राकृतिक रंगों में जीवंत हो जाता है। घने हरे जंगल आंख के सामने बड़े समय तक फैलते हैं, जबकि नीली नदियां घाटियों में बहती है, ऊपर से नीले आकाश को अभी प्रेरित करती है। यहां हिमालय के शांति के बीच हर पत्ता और फूल सुंदरता के साथ लहराने लगते हैं। मायोदिया में एक पुरानी बंगलो है जो एक आकर्षण का केंद्र है, जिसका नाम है कॉफी हाउस। यहाँ यात्री रात बिताने के लिए भी ठहरते हैं। इसका माहौल बहुत ही विशेष है और ये कॉफी हाउस लोगों के बीच काफी मशहूर है। प्रत्येक मील के साथ मुझे मायोदिया में आने वाले चमत्कारों के लिए बेचैनी बढ़ती है, जो निराकार खूबसूरती के गोद में अनुभव के लिए वादा करते हैं। जी हाँ, अभी हम बादलों के चादरों के बीच घिरे हुए हैं। दर्शकों, थोड़ी ही देर बाद, हाँ बस थोड़ी ही देर बाद हम अपने गंतव्य स्थल मायोदिया पहुंचेंगे। अभी से मायोदिया का ठंडी हवा हम लोग महसूस करने लगे हैं, तो दर्शकों आइए निकलते हैं मायोदिया के लिए। और फिर आखिर में हम अपने मंजिल पर पहुंच ही गए, मायोदिया, एक आसमान के बीच बसी जन्नत। जब मैं गाड़ी से उतरा तो आसपास की ये आत्मबल देख के मेरे सांस रुक गए। बर्फ से थकी हुई चोटियां, ठंडी हवा और प्रकृति की ये खूबसूरत नजारा जो मैंने कभी भी देखा नहीं था। दर्शकों, समुद्र पृष्ठ के 2655 मीटर के ऊंचाई पे अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली में स्थित है मायोदिया। जी हाँ दर्शकों, यही है मायोदिया।
अद्वितीय और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक स्थान है, जो हर साल आने वाले पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है। लोग मायोदिया में सुंदरता और शांति का आनंद लेने आते हैं। यहाँ के शांत सुरक्षित माहौल और स्थानीय समृद्धियों ने मायोदिया को एक सकारात्मक पर्यटन स्थल बना दिया है। मैं चलते चलते महसूस कर रहा हूँ कि मैं बर्फ की शांति से घिरा हुआ हूँ, जो मेरे मन को मोहित करता है। मायोदिया के आसपास की पर्यावरण में गूंजती है, जैसे कि प्रकृति स्वयं शांति के रहस्यों को सुना रही है। हर कदम आगे एक निर्मल दुनिया की यात्रा है, जहां समय ठहरता है और शीतकाल की सुंदरता सर्वोपरि होती है। पर्यटक यहाँ आकर अपने आत्मा को शांति और संयम के साथ भरने का अनुभव करते हैं। हम लोग अभी डिब्रूगढ़ असम से आए हैं, छोटा सा शहर है दुलियाजन, वहाँ से आए हैं हम लोग। हम लोग पांच जन, हमारा भाई और हमारा साथी लोग आया है, तो अभी यहाँ पर देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम भी अभी ठीक है, इतना धूप भी नहीं निकला है और ऐसा लग रहा है कि अभी सुबह हुआ है ऐसा लग रहा है। तो बहुत जनों को पता ही नहीं चल रहा है कि असम से थोड़ी दूर में, ज़्यादा दूर भी नहीं है, ज़्यादा से 3-4 घंटा लग जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका वो मायोदिया। तो यहाँ पर ऐसे सर्दी का मौसम में आने पर ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पर बर्फ़ गिरा रहता है। कश्मीर से सर ही नक्का में ना ये जगह, दिन को 1-2 बजे ऐसा कोई स्नोफॉल भी होता है यहाँ में। बहुत ही शानदार जगह है ये, जब स्नोफॉल होगा तो ये जगह काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। और आप लोग भी क्या बोलते हैं, बाहर का आसाम से कहीं से भी बहुत 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 दूर दूर जगह से भी यहाँ में आता है घूमने के लिए। आसपास की वातावरण शांति से भरा हुआ है, जहां शुद्ध और ताजगी भरा पहाड़ी हवा थके हुए आत्माओं को पुनर्जीवित करते हैं। मायोदिया की शांतिपूर्ण भूमि में, जहां हवा ठंडी है और पहाड़े ऊंचे खड़े हैं, सर्दियों में जमीन को और एक शुद्ध परत बिछा देते हैं। ठंड में जो भी ठंड है, लेकिन उनके चारों ओर की खूबसूरती में एक गर्माहट है, जबकि यात्री मायोदिया के बर्फीले आलिंगन में मोहित होकर आगे बढ़ते हैं। मायोदिया की बर्फदार सड़कें, जो कठिन होने के बावजूद किसी और से कम नहीं है, हर गुजरते मील के साथ दृश्य बदलता है, जैसे कि बर्फ से भरे हुए पेड़ सड़क के किनारे होते हैं। जब यात्री अपनी यात्रा पर निकलते हैं, इस बर्फीले स्वर्ग से होकर गुजरते हैं, हर मोड़ एक नया प्राकृतिक आश्चर्य का खुलासा करते हैं। यह सफर हमें यह जानने का मौका दिया कि अरुणाचल प्रदेश की लोअर दिबांग घाटी कितनी खूबसूरत है। यह सफर हमें हमेशा के लिए याद रहे।
हमारा सफर रोइंग और मायोदिया के साथ अब समाप्त हो रहा है। यहाँ हमने रोइंग में इडुमिसिमी जनजाति के धरोहर और प्रकृति की सुंदरता का अनुभव किया। रोइंग में बाजारों की गलियों में व्यवस्थायिक रूप से खरीदारी करते हुए इडुमिसिमी जनजाति के परंपराओं का अनुभव किया। मायोदिया में हमने प्रकृति की सुंदरता का आनंद लिया, जहां पर्वत और झीलों की सुंदर छवियों ने हमें आकर्षित किया। रोइंग के जीवन संस्कृति से लेकर मायोदिया के प्राकृतिक सौंदर्य तक हमारा यह सफर रोमांच से भरा होता है। जैसे हम इस आश्चर्यजनक मायोदिया से विदा लेते हैं, हम जीवन भर के लिए यादों का एक संग्रह लेकर जाते हैं जो कभी भूला नहीं।